नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है विलियम। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर जूलियन रीड सभागार में व्याख्यान दे रहे हैं। 1856 में जर्मनी में खोजे गए नेंडरथल नामक एक मानव जैसे जीव के जीवाश्म अवशेषों के बारे में बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस परिसर में दुनिया के एकमात्र गैर जीवाश्म अवशेष नेंडरथल हैं और उन्हें उनके मालिक डॉक्टर थॉमस ने खोजा था। उन्होंने आयरिश प्रकृतिवादी के नाम पर उनका नाम विलियम रखा, जिन्होंने पहली बार नेंडरथल को अलग प्रजातियों के रूप में मान्यता दी थी। डॉक्टर रीड के अनुसार विलियम से बहुत कुछ सीखा गया है, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। बाद में डॉक्टर रीड ने छात्रों से ये पूछकर व्याख्यान समाप्त किया कि क्या कोई ये पता लगा सकता है कि जीवित नेंडरथल को क्लोन करने के लिए विलियम के डीएनए का उपयोग कैसे किया जाए। कुछ समय बाद जब डॉक्टर रीड एक पुस्तकालय में बैठा होता है, डॉक्टर बारबरा सुलिवन नाम की एक लड़की आती है और उससे कहती है कि वो क्लोनिंग कर सकती है। वो खुद को एक मेडिकल डॉक्टर और प्रजनन एंडोक्रिनोलॉजी और बायोइंजीनियरिंग में पीएचडी के रूप में पेश करती है। डॉक्टर बारबरा उससे कहती है कि उन्हें इसके लिए क्लोनिंग 101 की आवश्यकता होगी, लेकिन वो जानना चाहती है कि नेंडरथल में उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों है और इससे क्या हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर रीड का कहना है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो डॉक्टर बारबरा को एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जिसे वो बैटकेव और उसका राज्य कहता है। वो उसे दो पत्थर देता है और उसे ये बताने के लिए कहता है कि कौन सा विलियम का है। वो उन पर एक नज़र डालती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कौन सी है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रीड उसे सही पत्थर दिखाता है और बताता है कि उन्हें खुद को समझने के लिए विलियम की जरूरत है, जिसके बाद डॉक्टर बारबरा उसे बताती हैं कि वो बहुत दिलचस्प है। अगले दृश्य में बॉब क्लेबोन, जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर गॉडविन थॉमस को बुलाते हैं, जो डॉक्टर रीड का बॉस है, और नेंडरथल नमूना देता है जिससे बाद में डीएनए निकाला जाता है। बॉब नेंडरथल परियोजना को जारी रखने के बारे में उसका दृष्टिकोण पूछता है। डॉक्टर गॉडविन बॉब को बताते हैं कि बारबरा और कई प्रतिस्पर्धी लोग इस पर काम कर रहे हैं, जिस पर उनका कहना है कि वो जल्द ही इस परियोजना के बारे में कुछ निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब डॉक्टर बारबरा और डॉक्टर रीड ने अच्छी केमिस्ट्री विकसित कर ली है। एक दिन वो उससे कहती है कि उन्हें नेंडरथल परियोजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें वो पूछता है भ्रूण को कौन ले जाएगा। डॉक्टर बारबरा जवाब देती है कि वो ऐसा करेगी। ये सुनकर डॉक्टर रीड उसे किस करते हैं और बाद में वे शादी करने की योजना बनाते हैं। उनकी शादी के बाद उनका एक बच्चा है जिसका नाम उन्होंने विलियम रखा। डॉक्टर रीड फिर बॉब के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करेगा। बॉब चिंतित हो जाता है और अपने संकाय सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करता है कि उन्हें उसे संस्थान से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसने उन्हें बहुत परेशान किया है। एंड्रिया बेकर, जो कि फैकल्टी सदस्य हैं, एक सुझाव देते हैं कि यदि वे ये सब स्वीकार करते हैं तो वे इसे बाद में नियंत्रित कर सकते हैं। अगले दिन डॉक्टर रीड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे हैं और उनका कहना है कि बच्चा स्वस्थ है। प्रेस बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में कई सवाल पूछता है और डॉक्टर रीड का कहना है कि उन्होंने आवश्यक सावधानी बरती है और क्लोन बेबी सुरक्षित है। प्रेस में से एक सदस्य उससे पूछता है कि वो एक गर्वित पिता के रूप में कैसा महसूस करता है, जिसके बाद वो कहता है कि बच्चा आनुवंशिक रूप से उससे और डॉक्टर बारबरा से जुड़ा नहीं है, क्योंकि वो केवल भ्रूण का वाहक है, लेकिन उसे बच्चे पर गर्व है। मीटिंग बंद होने के बाद बॉब डॉक्टर रीड से कहता है कि उसके और डॉक्टर गॉडविन की अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। इस बीच डॉक्टर गॉडविन आता है और उसे बच्चे के लिए बधाई देता है। अब दृश्य कई वर्षों बाद काटा गया है, जहां विलियम एक बड़ा युवा लड़का है। घर पर उसकी मुलाकात सारा नाम की एक लड़की से होती है, जो उसे अंग्रेजी और गणित जैसे विषय पढ़ाती है और उसकी पढ़ाई में मदद करती है। दूसरी ओर डॉक्टर रीड अपनी कक्षा में लेक्चर ले रहे हैं। वो छात्रों को बताता है कि जैसा कि सिद्धांत बताता है कि होमो सेपियंस ने अपने क्रूर नेंडरथल चचेरे भाइयों को अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के साथ विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन विलियम का अध्ययन करने से उन्हें उस कहानी पर संदेह करने का और कारण मिल जाता है। फिर वो विलियम की किशोरावस्था के बारे में बात करता है और उसके विकास को देखने के लिए उन्हें एक पेशेवर प्रोटोकॉल के रूप में उसे प्रयोगशाला में रखना पड़ा। अध्ययन से पता चला कि उसके पास मनुष्यों के बराबर या उससे अधिक बुद्धि है। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत और अनुकूली है। दृश्यों के बीच विलियम के बचपन को दिखाया गया है, जब डॉक्टर बारबरा अपने पति के साथ लड़ती है और वो उसे बताता है कि उन्हें नियमित रूप से जांच करने की जरूरत है कि जीन खुद को कैसे विकसित करता है जैसे वो विकसित होता है। वो उसे याद दिलाता है कि उनके अध्ययन को अधिकतम करने के लिए उसे प्रयोगशाला में रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन बारबरा का कहना है कि वो इंसान है और वो उसकी माँ है। डॉक्टर रीड का जवाब है कि वो उसका बेटा नहीं है, जिसके बाद वो गुस्से में चली जाती है। एक अन्य फ्लैशबैक में विलियम कुछ अन्य लड़कों के साथ साइकिल चला रहा है और जल्द ही वो एक लड़के का हाथ तोड़ देता है। फिर उसे एक बैठक के लिए बुलाया जाता है, जहां उसकी माँ प्रभावित लड़के की माँ के साथ व्यवहार करती है। डॉक्टर बारबरा विलियम को बताता है कि वो नेंडरथल है और एक विशेष है, इसलिए उसे दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब विलियम अपने बिस्तर पर बैठा होता है तो वो नेंडरथल की खोज करता है, जिससे पता चलता है कि 4000 साल पहले वे आधुनिक मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। फिर वो लेख के अंत को देखता है, जहां लिखा है कि वे मूर्ख और पशु पक्षी हैं।
बाद में विलियम के माता पिता की प्रिंसिपल बर्नस्टीन के साथ एक बैठक होती है जो उन्हें बताता है कि उसके ग्रेड मजबूत हैं, लेकिन वो मानकीकृत परीक्षणों के साथ संघर्ष करता है। वो आगे कहते हैं कि वो अद्वितीय हैं। इस बीच डॉक्टर रीड अपने गहन शिक्षण के बारे में पूछता है, जिसमें वो कहता है कि वो सिफारिश करेगा कि यदि वो अपने कॉलेज के आवेदन फिर से जमा करता है। ये सुनकर डॉक्टर रीड हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर बारबरा ने विलियम को इस बारे में जाने बिना पहले ही अपने आवेदन वापस ले लिए थे। डॉक्टर रीड का तर्क है कि विलियम स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद क्या करेगा, और वो जवाब देती है कि वो एक हार्डवेयर स्टोर में अंशकालिक काम करता है। डॉक्टर रीड इस बात से इनकार करते हुए कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो उनके साथ आएंगे, जिसके बाद बारबरा का कहना है कि वो उन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए वापस चाहते हैं। उनकी लड़ाई जारी रहती है जब प्रिंसिपल बीच में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो एक इंसान के रूप में शानदार कर रहे हैं और उन दोनों को अपना भविष्य तय करने की आवश्यकता नहीं है। अब डॉक्टर रीड विलियम से बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें उनके साथ शोध के लिए जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बारबरा बीच में आते हैं और विलियम को बाद में फैसला करने के लिए कहते हैं। कुछ चर्चाओं के बाद विलियम अनुसंधान में भाग लेने के लिए सहमत होता है, लेकिन अपने अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद। कुछ दिनों बाद डॉक्टर रीड ने पढ़ाई में अपनी प्रगति की जाँच की और कोई सुधार नहीं देखा। वो गुस्से में सारे कागज और पत्ते फेंक देता है। बाद में सारा ने विलियम को ये कहकर सांत्वना दी कि उसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इस बीच वो विलियम को अपने साथ टहलने के लिए जाने के लिए कहती है। वहाँ वो अपने बचपन की कहानी बताती है कि जब भी उसे ऐसे कम ग्रेड मिला तो उसकी माँ ने उसे शासक के साथ चुरा घूमा, जबकि उसके पिता ने उसके ट्यूटर्स के लिए भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ये सब उसके अपने फायदे के लिए था। फिर वो उसे एक गाना गाने के लिए कहती है और बाद में वे एक दूसरे को किस करते हैं। जबकि दोनों एक दूसरे का आनंद ले रहे हैं, डॉक्टर रीड उन्हें देखता है और विलियम से पूछता है कि क्या उसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो चुप रहता है। अगले दिन विलियम श्रीमती गॉडविन से मिलता है जबकि सारा बाहर प्रतीक्षा कर रही है। श्रीमती गॉडविन उससे पूछती है कि उसे यहाँ क्या लाया है, जिस पर वो कहता है कि वो अपने अवशेषों के बारे में जानती है। वो जवाब देती है कि वो उन्हें देखना चाहता है और बाद में उसे प्रयोगशाला में ले जाता है। बाहर सारा डॉक्टर बारबरा को फोन करती है, उसे सूचित करती है कि वो परीक्षा केंद्र में है और पूछती है कि क्या विलियम उसके साथ है। अंदर विलियम प्रयोगशाला में श्रीमती गॉडविन के साथ है, जो उसे एक संरक्षित प्राचीन मम्मी दिखा रही है। विलियम मम्मी को घूरता है और मिसेज गॉडविन से कहता है कि मम्मी कुछ कहना चाहती है। वो जवाब देती है कि शायद वो उसके माध्यम से बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। बाद में विलियम श्रीमती गॉडविन को बताता है कि उसकी बेहतर संख्या के कारण उसे कम लाभप्रद आवास में मजबूर किया गया है और ये कि मम्मी यहाँ नहीं है और नहीं वो है। उसके बाद वो चला जाता है। अब डॉक्टर बारबरा सारा से मिलती है और उसे बताती है कि विलियम उसकी कॉल नहीं उठा रहा है और उसके व्यवहार के बारे में पूछता है। सारा का कहना है कि वो तनाव में थी और चिंतित दिख रही थी। डॉक्टर बारबरा ने सारा को बताया कि विलियम ने उसे बताया कि वो उसे पसंद करता है, जिस पर सारा कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। अगले दृश्य में जब डॉक्टर रीड अपनी कक्षा में व्याख्यान दे रहे होते हैं, विलियम पीछे उनकी कक्षा में गुप्त रूप से शामिल हो जाते हैं। अपने व्याख्यान के दौरान डॉक्टर रीड कहते हैं कि विलियम एक गूंगा जानवर है, घुरघुराहट करता है और एक गुफा का आदमी है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि विलियम आनुवंशिकी और व्यवहार का गहन अध्ययन हाल के समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सफलताओं में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि विलियम ने हाल ही में स्नातक किया है और वे वालेस विश्वविद्यालय में गहन अध्ययन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक विलियम जोर से कहता है, नहीं। डॉक्टर रीड उसे देखकर हैरान हो जाता है। विलियम उसे बताता है कि वो काम के बारे में कुछ नहीं जानता और उसका काम विफल है। डॉक्टर रीड गुस्से से जवाब देता है कि वो असफल है। ये सुनने के बाद विलियम चला जाता है, जबकि डॉक्टर रीड बाहर उसका पीछा करता है और कक्षा के दौरान उसने जो कहा उसके लिए सॉरी कहता है। वो उसे बताता है कि उसने उसे शर्मिंदा किया, लेकिन विलियम ने इनकार करते हुए कहा कि उसने ऐसा किया है और वो उसका पिता नहीं है। डॉक्टर रीड गुस्से में आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। वही पत्थर जो उसने विलियम को पहले दिया था गिर जाता है। वे उस पत्थर के लिए लड़ते हैं, जिसके दौरान विलियम उसके सिर में मारता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर विलियम डर जाता है और भाग जाता है। दूसरी तरफ सारा विलियम को एक कार में ढूंढ रही है, जहां उसे डॉक्टर बारबरा का फोन आता है, जिसमें कहा गया है कि उसने अपने पिता पर हमला किया है। सारा चौंक जाती है और उसे खोजने जाती है। अब विलियम को बाहर पुलिस दिखती है, जिसके बाद उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जबकि सारा रो रही होती है और फिल्म सारा के साथ समाप्त होती है। विलियम की यादों के साथ एक बच्चे को अपने हाथों में लेकर तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़े। देखने के लिए धन्यवाद।